सोलन शहर के पालिका बाजार में उस समय खौफ का माहौल बन गया जब कुछ दुकानदारों ने बाजार में अज्ञात व्यक्ति के शव को देख लिया। शहर के बीचोंबीच नगर निगम भवन के साथ पालिका बाजार में सुबह सवेरे एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। घटना शुक्रवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। जब पालिका बाजार के कुछ दुकानदार सुबह दुकान खोलने आए तो उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति के शव को जमीन पर पड़ा देखा। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत पुलिस को फोन घुमा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू की। मौके वारदात से सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने कहा कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है, मामले की छानबीन जारी है। उन्होंने बताया कि सुबह सवेरे जब दुकानदार दुकान खोलने के लिए आए तो एक व्यक्ति को उन्होंने जमीन पर मृत पड़ा हुआ देखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पुरुष की जो है यहाँ पे एमसी पार्किंग में जो है एक कम्प्लेक्स में लाश पड़ी है, जिस पे पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी उस व्यक्ति के बारे में पता किया जा रहा है कि ये कौन था, कहाँ का रहने वाला था और इसकी मौत का कारण क्या है। तो अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। व्यक्ति की पहचान किसके नाम अभी की जा रही है पहचान की।